अरे माइक ले लो, माइक दे दो। नहीं माइक है, माइक है। नहीं इनको दो, कुछ नहीं। जैसा है कि जब मैंने माय मदर इज आल्सो फ्रॉम जम्मू एंड जब ये सब फायरिंग हो रही है, ये सब चीजें हो रही हैं, जब मैंने उनके बारे में सुना तो बीएसएफ में मेरे एक मित्र हैं अमित लोधा साहब, यहाँ खड़े हुए हैं, इनको मैंने पूछा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वहां से मेरे को एक आइडिया भी आया जो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, जो मैं आई होप हम इसे ये चीज आगे जाके हमारा हमारी गवर्नमेंट कर सके, आई होप सो। मैंने जब उनसे बात की तो मैंने देखा उनके अंदर जो, उनकी सिस्टर से बात की, उनके अंदर जो जज्बा है, उनके माँ से बात की, मैं समझा जब वो हेलो बोलेंगी उनकी माँ या उनकी बहन तो उनकी आवाज बहुत हल्की होगी हेलो, लेकिन उनकी आवाज मैं कहता हूँ ऐसी थी हेलो, हाँ बेटा सब कुछ ठीक है यहाँ, अरे नहीं नहीं खुशी की बात है, मेरा बेटा शहीद हुआ है देश के लिए, मेरा बेटा शहीद हुआ है देश के लिए, अरे नहीं खुशी की बात है। एंड उसी चीज की वजह से, वो खुद जम्मू का रहने वाला था, ऐसी क्या बात है इस मिट्टी के अंदर जो माँ ऐसा बात करती है, बहन ऐसी बात करती है। एंड तभी मैंने सोचा कि मैं कुछ, वैसे तो कुछ नहीं कर सकता, आई कुड जस्ट फाइनेंशियली हेल्प बिकॉज मैं जानता हूं कि दे वुड रिक्वायर इट, वो बात की बात है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज मैं तो बीएसएफ में किसी को जानता हूं तो मुझे उनका अकाउंट नंबर मिल गया, उनके परिवार वालों के बारे में मुझे पता चला। लेकिन हमारे देश के, हमारे हिंदुस्तान के ऐसे कितने लोग हैं जो बीएसएफ की, आर्मी की मदद करना चाहते हैं। मैं कहता हूं क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए, एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिसके अंदर जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लोगों के नाम, उनके नाम आए, उनके अकाउंट नंबर आए, उनके पिताजी क्या करते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए देना चाहते हैं ताकि जिंदगी में आदमी प्रैक्टिकल रहना चाहता है। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, आदमी की, एक आदमी जब शहीद हो जाता है तो उसके घर वालों को पैसों की जरूरत जरूर पड़ती है। तो मैं ये विचार करता हूं, मैं सोचता हूं कि क्यों ना एक ऐप ऐसी खोली जाए जिसके अंदर लोग उनके अकाउंट में जिनको जो मर्जी है देना चाहे मिल सके। दैट इज एक छोटा सी दिमाग आया तो मैंने कह दिया आप लोगों से। सो दैट इज व्हाई दैट गॉट पूरी अचानक के बाद आपकी तरफ से एक वीडियो आया, ये वीडियो उस समय आया जब एक कंट्रोवर्सी चल रही थी पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर, तो आपने एक वीडियो दिया, उसका क्या संदेश आप देना चाहते थे और अभी क्या कहते जी? जो मैं संदेश देना चाहता था वो मैं उसमें कह चुका हूँ, ये कोई पॉलिटिकल ड्रिवन चीज नहीं है। उसके अंदर जो संदेश मैं देना चाहता हूँ, हम छोटी छोटी बातों की बात करते हैं, यहाँ हमारे बीएसएफ वाले बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके परिवार वालों के बारे में सोचना चाहिए। असली हीरो देश के नहीं है। हाँ जी, मैं वो कह चुका हूँ, हम तो सिर्फ रियल हीरो हैं, ये असली हीरो हैं। बल्कि कैमरा को सारा घुमाइए, मेरी तरफ कैमरा ना रखिए, इन लोगों की तरफ कैमरा रखिए, दैट इज मच बेटर। आप एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर, जिसमें दो कनेक्ट एक्टर्स की वो बात बात सर, सर आप बॉर्डर पे एक रात रहना चाहेंगे? रह चुके एक बार जैसे। जी मैं रह चुका हूँ जम्मू में, मैं नहीं जैसलमेर में रह चुका हूँ। बीएसएफ वालों को पूछना पड़ेगा क्या वो मुझे ले जाना चाहेंगे, वो आप उनसे पूछिए। आप यहाँ से पाकिस्तान को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी ये पॉलिटिकल नहीं है बाबा जी, मैं तुम्हें हाथ जोड़ के fights, we are discussing love and we are discussing things about BSF, okay? I hope so, Mr. The peace is the most important thing because बहुत सारी जाने जाती हैं, civilians की जाने जाती है, soldiers की जाने जाती है, I think peace is the only way out. Okay, thank you guys. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.